कल हमने क्या पढ़ा था? आज़ादी की यात्रा के पास पहुंचे थे, है ना? 1932 आरटीसी के बारे में बात हुई थी। 1930, 31 एंड 32 तीन आरटीसी और इनके बीच में एक सांप्रदायिक पंचाट। किसने पेश किया था ये? हाँ, क्या नाम था उस आदमी का? रेमजे मैकडोनाल्ड, बहुत बड़ा आदमी है। रेमजे मैकडोनाल्ड, इसने पेश किया और कहा हिंदू मुसलमान तो ऑलरेडी अलग थे, सिख भी अलग थे, अब किसको अलग कर रहे हैं? एससी। इस बात से कौन खुश थे? जो दलित वर्ग वाले थे। लेकिन कौन दुखी था? महात्मा गांधी। और इसी कारण महात्मा गांधी ने पूना में, कौन सी जेल थी वो? यरवदा जेल में आमरण अनशन किया 20 सितंबर 1932, जो बहुत मुश्किलों से बंद किया उन्होंने 25 सितंबर 1932। किस किस के बीच में ये पैक्ट हुआ? गांधी और अंबेडकर। अंबेडकर क्यों है इसमें मेन? क्योंकि ये बेसिकली था ही किन लोगों के लिए? दलितों के लिए। और दलितों को रिप्रेजेंट हमेशा से किसने किया? अंबेडकर ने। कल मैंने तुम्हें बताया था कि सेकेंड आरटीसी में हम आपस में लड़ने लग गए लंदन जाके, और आपस में इनकी बहस हो गई, जैसे कांग्रेस की, हिंदू महासभा की, दलित की, ये आपस में ही लड़ पड़े। इस लड़ाई का फायदा किसने उठाने की कोशिश की? अंग्रेजों। और उन्होंने क्या प्रेजेंट किया? सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड। कम्युनिटीज़ को आपस में कैसे लड़वाएं, तो कम्युनिटीज़ को खास टारगेट बना के कम्युनल अवार्ड, और एससीज़ को कह दिया कि भाई इनकी सेफ्टी के लिए हम इनको क्या देने जा रहे हैं? आरक्षण। आरक्षण इन्होंने, याद है, 1905 में भी देने की बात की थी। किन लोगों को? मुसलमान। और फिर क्या बनवाई थी इनकी? मुस्लिम लीग, जिसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, बस फॉर्मेलिटी के लिए एक लीग बनवा दी और लीगली कह दिया 1909 में कि तुम्हारे और हिंदुओं के निर्वाचन के क्षेत्र अलग हैं। उसके बाद इनको कोई मतलब नहीं मुसलमानों से, और मुसलमान इस चीज़ को भांप गए। शायद यही कारण था कि जब गांधी ने किस आंदोलन में उनकी मदद की, तो उन्होंने खिलाफत कमेटी का मुखिया किसको बना दिया? महात्मा गांधी। यानी उनको पता चल गया कि ये ढोंगी हैं और इनको दिखावट करने से मतलब है। अब वही सेम दिखावट वो किसके साथ करने जा रहे हैं? शेड्यूल कास्ट। इसलिए कौन खड़ा हो गया? महात्मा गांधी। और गांधी ने कहा पूना में यरवदा जेल में एससी हिंदू हैं, इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। और यही कारण था कि इनके बीच में, इनके और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। कल ये सब हमने पढ़ लिया था। 1935 अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी चाल थी, और 32 तक की कहानी के आगे आज जो शुरू करना है हमें, वो 1935 से 47 तक का सफ़र। ध्यान से समझना इनको, स्टोरी समझ में आएगी तो किताब बहुत आसान दिखेगी। 1935 में अंग्रेज़ों ने बहुत बढ़िया प्लानिंग की और कहा हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज़ लेकर आए हैं। नाम दिया भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, इसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया 1909 में मार्लेमेंटो सुधार, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब बहुत बड़ा एक चेंज आया और बोले हम तुम्हारे लिए एक एक्ट लाए हैं, और इस एक्ट में बेसिकली अगर मैं सच कहूँ तो सारी वो बातें थी जो आज तुम्हारे संविधान में भी हैं। 90% आपने सारी चीज़ें इसमें से एज इट इज़ उठा के किस में डाल ली? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें बहुत सारी बातों में एक बात ये भी थी कि इंडिया में इलेक्शन कराए जाएंगे और ये इलेक्शन अलग अलग प्रांतों में होंगे। थोड़ी सी साउंड कम कर दो, थोड़ी सी। इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे और ये इलेक्शन ना 11 प्रांतों में होंगे। तब आपके देश में राज्य नहीं थे, प्रांत थे। इन 11 प्रांतों में पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में इलेक्शन हुए। 11 में से इलेक्शन में 8 में कांग्रेस जीत के आई। तो इसका मतलब सारे देश का रुझान किस पार्टी की तरफ था? कांग्रेस। इस बात से धक्का लगा मुस्लिम लीग को कि ये क्या हुआ। ये दोनों याद है 1905 में अलग हुई थी, फिर 1916 में इकट्ठी हुई थी लखनऊ पैक्ट में। अब 1937 के इलेक्शन ने एक बात क्लियर कर दी कि अगर कल को हम आज़ाद होते हैं तो भारत, और उस टाइम तो पाकिस्तान भी भारत ही था, इसमें कौन सी पार्टी जीतेगी? तो इस बात से कौन दुखी हुआ? मुस्लिम लीग। और इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग का भविष्य हमें भारत में सेफ नहीं दिखाई दे रहा। जो तीन प्रांत रह गए ना जिसमें आप नहीं जीत पाए, कांग्रेस नहीं जीत पाई, ये प्रांत थे सिंध का इलाका, आज पाकिस्तान के कब्जे में है या उनका हिस्सा है, एक पंजाब का इलाका जिसका बड़ा हिस्सा आज भी पाकिस्तान के पास है। पंजाब के दो हिस्से थे, एक भारत को मिला और एक पाकिस्तान को, और एक आपका बंगाल, बंगाल के भी दो हिस्से थे, एक हिंदू बाहुल्य और एक मुस्लिम बाहुल्य। तो सोचो जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी वहाँ वहाँ मुस्लिम लीग जीत कर सामने आई। ये तीन इलाके थे जिनमें कांग्रेस हारी, 11 में से 8 में कांग्रेस जीती, जिनमें 6 में तो स्पष्ट कांग्रेस जीती, 2 में उसने गठबंधन कर लिया छोटी मोटी पार्टीज़ के साथ। इसलिए हम कहते हैं 11 में से कितनों में कांग्रेस की सरकार बनी? 8। किन तीन में नहीं बन पाई? सिंध, पंजाब और बंगाल। बंगाल आप याद करो इस तरफ मुस्लिम लीग एक्टिव थी, पंजाब हम अपना पंजाब ना समझें सिर्फ, पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास
आज भी एज इट इज पंजाब है, और जिसको सिंध कह रहे हैं वो तो है ही इनका इलाका, पंजाब इसका पाकिस्तान का इलाका है ना। इन तीन में आपकी कांग्रेस हारी और इन तीन में कौन जीती? मुस्लिम लीग। लेकिन मुस्लिम लीग एक बात समझ गई कि अगर कल को अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए तो इस पूरे भारत पे लीड में कौन सी पार्टी आएगी? कांग्रेस। और ये एक डर का काम हो गया उनके लिए। निकट भविष्य में भारत आज़ाद होगा, 10-20 साल बाद, तो कांग्रेस लीड लेगी और हम पीछे रहेंगे, ये मन से उन्होंने फील किया। और इसीलिए जब कांग्रेस ने सरकार बनाई तो मुस्लिम लीग को बात चुभी, बहुत चुभी, और 1937 की इस सरकार से आप भारत वाले बहुत खुश थे, क्योंकि हम भारत के लोगों को लगा कि अब हमारे ऊपर कौन राज कर रही है? कांग्रेस। बेशक हम आज़ाद नहीं हैं लेकिन सरकार तो हमारी ही है, हम बहुत खुश थे। और 2 साल हमने इस खुशफहमी में काट दिए कि हमारी सरकार हमारी सरकार, क्योंकि इलेक्शन के थ्रू बनी थी, कुछ चुनिंदा लोगों के इलेक्शन के थ्रू। 1 सितंबर 1939 आपका ये भ्रम टूट गया कि आपकी सरकार है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, जर्मनी ने, जहाँ का नेता हिटलर था, इसने सीधे अटैक कर दिया 1 सितंबर को पोलैंड के ऊपर, इससे बिल्कुल लगता देश था। और पोलैंड के ऊपर आक्रमण करने के बाद पूरे वर्ल्ड में हो गया कि आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होते ही आपके देश में भी हड़कंप मचा, क्योंकि आपके देश में कौन राज कर रहा था? ब्रिटेन। और ब्रिटेन शत्रु था जर्मनी का, और शुरुआत किसने कर दी है? जर्मनी। जर्मनी ने किस पर अटैक किया? पोलैंड पर। और पोलैंड दोस्त है ब्रिटेन और फ्रांस का, यानी कोई आपके दोस्त को मारेगा तो आप भी उसमें, अगर आप सामने हैं तो आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे या आप उसको मारेंगे जो आपके दोस्त को मार रहा है। तो जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पर, और पोलैंड का दोस्त कौन है? ब्रिटेन प्लस फ्रांस। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी कार्यवाही करेंगे। अब जब ब्रिटेन और फ्रांस वहाँ लड़ेंगे तो जो आपके ऊपर राज कर रहा है, अगर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध, उसमें शामिल है, तो उसका असर आप पे तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सेना तो आप ही की जाएगी ना, मरने तो आप ही के देश के लोग जाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होते ही कांग्रेस को फील हुआ कि हमसे न पूछा, न बताया, न डिस्कस किया, और सीधे घोषणा कर दी कि भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल है। भैया हमें नहीं लड़ना, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, लड़ना है नहीं लड़ना, सीधे क्या कह दिया? इंडिया भी लड़ रहा है। किसने कह दिया ये? हमारे बिहाफ पे। ये कौन है? क्योंकि ये यहाँ का राजा है, इसकी चलती है। तो फिर ये क्या फालतू की बकवास थी जो 2 साल से हम क्या सोच रहे थे, हमारी सरकार हमारे अकॉर्डिंग काम करेगी। जब ये सब हुआ ना, हमें दिखा कि ये तो फॉर्मेलिटी थी, सब कुछ तो अंग्रेज अपनी इच्छा से कर रहे हैं, हमसे कम से कम डिस्कस तो कर लेते कि हमें लड़ना है नहीं लड़ना। इस चीज़ को एनालाइज करके फाइनली हम लोगों ने, जो अपनी ये सरकार थी ना कांग्रेस की, इसने कहा भैया हम देते हैं इस्तीफा। और ऐसी पावर का क्या फ़ायदा जिसमें कि आप पावर का यूज़ ही ना कर सकें? कहने को तो हम सरकार में हैं, लेकिन हमसे ना पूछने की ज़रूरत ना बताने की, सीधे कह दिया तुम्हें भी लड़ना है, नहीं लड़ना हमें, लेकिन कौन सुने? इस्तीफा दे दिया कांग्रेस ने इन 8 प्रांतों में, जिनमें इनकी सरकार कब बनी थी? 37। और इस्तीफा कब दिया गया है? 1939 नवंबर में। अब इससे सबसे ज़्यादा खुशी मनाई मुस्लिम लीग ने, और मुस्लिम लीग ने कहा अच्छा हुआ, कुछ भी हुआ, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कोई जिए मरे, हमें खुशी है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इन लोगों ने इतनी खुशी मनाई कि 22 दिसंबर 1939 को इन लोगों ने मुक्ति दिवस मनाया। देखो हम लोग कितने बेवकूफ़ थे, आपस में हमारे रिश्ते कितने ख़राब थे, अंग्रेजों के साथ हमें क्या करना है क्या नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, ये किस चीज़ से मुक्ति मना रहे हैं कि हमें किससे मुक्ति मिल गई? कांग्रेस से। तो ये मुक्ति दिवस मना रहे हैं, मतलब इनको देश से लगाव जुड़ाव कुछ नहीं है, मुस्लिम लीग को सिर्फ अपने मुक्ति दिवस से मतलब है, और वो अथाह खुश है कि भैया अच्छा हुआ ये कांग्रेसी जो है ये हट गए। अब इन सब का असर क्या आया? मुस्लिम लीग को लगा कि अब समय आ गया अपने लिए अलग से डिमांड करो अपने हक की। और दिसंबर में, 22 दिसंबर 1939 को, जहां वो मुक्ति दिवस मना रहे थे, कितनी शर्म की बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, भारत की किसी को चिंता नहीं, अंग्रेजों ने बिना पूछे कह दिया ये भी लड़ेंगे, हमने अपना त्यागपत्र दे दिया, और ये कह रहे हैं कि हमें इनसे मुक्ति मिल गई, चाहे हम जिंदा रहें चाहे मरे, इनसे फ्री हो गए। और अगले ही महीनों में 1940 मार्च आया था, और एक बहुत बड़ी बैठक मुस्लिम लीग ने की, और लाहौर में उस बैठक में मुस्लिम लीग ने कहा अब हमें अपना अलग राष्ट्र चाहिए। इनको आज़ादी से कोई मतलब नहीं, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, इन्होंने सीधे कहा, जिन्ना हेड थे, और जिन्ना ने घोषणा की अब हमें अलग राष्ट्र चाहिए, अलग राष्ट्र। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अलग राष्ट्र का कॉन्सेप्ट नहीं था, था 1920 में भी अलग राष्ट्र की बात आई थी, उस टाइम एक आदमी था इकबाल, इकबाल का नाम सुना है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, स्कूलों में गाया था ना, ये इकबाल ने लिखा था। अजीब बात देखो, जिसने लिखा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वही कह रहा है 1920 में कि भारत में 2 राष्ट्र बनने चाहिए, एक भारत और एक मुसलमानों के लिए अलग से एक राष्ट्र, नाम नहीं दिया। 1933 में एक आदमी है चौधरी रहमत अली, ये स्टूडेंट है, लंदन में पढ़ते हैं अंग्रेज़ों के देश में, और ये विचार देते हैं कि जो नया राष्ट्र बनेगा ना उसका नाम रखना चाहिए पाकिस्तान,
ये नाम सोचा गया पाकिस्तान। फिर बाद में लेटर स्टेज में 7 साल बाद डिमांड उठा दी और कह दिया हमें अलग राष्ट्र चाहिए, किस नाम से? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जन्म देखने में 1940 में स्पष्ट हुआ, लेकिन इसकी विचारधारा 1920 और 33 में भी कहीं ना कहीं पक रही थी, कभी इकबाल के रूप में और कभी चौधरी रहमत अली के रूप में। उसको स्पष्ट सामने निकाल के ले आए मोहम्मद अली जिन्ना। कौन से ईयर की बात है ये? 1940 मार्च की। 40 का कारण समझे? क्योंकि 39 में इनको समझ में आ गया कि अगर अब कांग्रेस दोबारा आ गई ना तो हमारा कोई स्टैंड नहीं बन पाएगा। 37 के इलेक्शन में हारने के बाद से ये सब एक्टिव थे कि कैसे ना कैसे कांग्रेस हट जाए। और जैसे ही कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, इन्होंने मुक्ति दिवस मना के दिसंबर में और मार्च में कह दिया हमें अलग राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान और ये विचार, तीन बड़े नाम है पाकिस्तान की जर्नी में। 1940 में पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर सेकेंड छाया हुआ था और 5 देश एक तरफ लड़ रहे थे, एक साथ थे, और 3 एक साथ, ये है अमेरिका, ब्रिटेन, ABCRF, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, फ्रांस। इसको आप USA कह देते हैं, इसको आप UK कह देते हैं, और इसको आप USSR भी कह देते हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए ABCRF बता दिया ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ है JGI, जापान, जर्मनी और इटली। इन सब में हीरो है जर्मनी का हिटलर, और हिटलर ने धीरे धीरे करके अपने पैर इतने पसार लिए कि सब लोग इसको अवॉइड कर रहे थे। इसने अपने से जुड़े पोलैंड पे कब्जा करने की कोशिश की, चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा करने की कोशिश की। 1939 से और 1941 सारी कंडीशन इनके फेवर में थी, ये 5 पीछे थे, ये 3 आगे, और सबको लग रहा था कि नाजीवाद दुनिया पे झंडा फहरा देगा। नाजीवाद सुना है? क्या था नाजीवाद? कट्टर राष्ट्रवाद, भाई मेरा ही देश, मैं ही लीडर, मेरा ही सब कुछ चलेगा। ये हिटलर नाजीवाद का जनक है। ये एक फांसीवाद था इटली में, बिल्कुल कट्टर कि भैया मैं सिर्फ एक देश, एक राष्ट्र, एक नेता, दूसरा कोई धर्म नहीं, दूसरा कोई लीडर नहीं, सामने वाले की सुननी नहीं है। और ये इतना पागल था, साइकिक था, वैसे तो बहुत बड़ा लीडर था, लेकिन मैं इसलिए साइकिक कह रही हूँ क्योंकि इस आदमी ने सिर्फ एक धर्म दूसरा होने के कारण यहूदी धर्म के लोगों को, 60 लाख लोगों को इसने ऐसी गंदी मौत दी कि जो कोई सोच भी ना पाए, इतना पागल आदमी था ये। उनके लिए ना स्पेशल इसने ऐसी ऐसी ट्रॉली और ट्रेन्स बनवाई, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के, जहाँ यहूदी धर्म के लोग थे, ज्यूज जिनको बोलते हो आप, ज्यूज, इनको पकड़ते जहाँ इनकी बस्तियाँ, जबरदस्ती उनको ट्रकों जैसे इसमें किसी ट्रांसपोर्टेशन के साधन में भरते और उनको फिर यातना शिविर में ले जाते। यातना शिविर क्या थे? इसने पूरा अपने देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसे कट ऑफ कर रखा था, यहाँ कोई नहीं जाएगा। और यहाँ इसने ना ऐसे चैम्बर्स बना रखे थे, ऐसे रूम्स बना रखे थे, ऐसे ढेर सारे रूम्स, सिर्फ इसके आदमी यहाँ जा सकते थे। आम आदमी को, किसी विदेशी को, किसी को कुछ अंदाजा नहीं यहाँ क्या है। उनको भर भर के ट्रकों में ज्यूज को यहाँ ले जाता और इन कमरों में इतनी यातनाएं देता, उनको इतना मारता, मार पीट, भूखा रखना, प्यासा रखना, और इनमें ना इतनी भयानक गैस हुआ करती थी कि उससे आदमी को चक्कर आ जाए, उसके मुंह से खून की उल्टी आने लगे, मतलब जिसके तड़पा के मारना, वो ये थे वो जगह, यातना शिविर। पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता किसने क्या किया, वो तो बाद में जब ये मरा, जब इसने सुसाइड किया और जब इसके देश में ऐसे घुसपैठ हुई, तब देखा कि ये तो बहुत साइकिक आदमी है, इसने 60 लोग इस तरह, 60 लाख लोग ऐसे मार दिए। बच्चों को पकड़ लेता, इतना पागल था, बच्चा हो, कोई बड़ा हो, जवान, बूढ़ा, सो कोई शर्म नहीं, सबको यातनाएं देके मारता था, तड़पा के मारना। एक तो आदमी को वैसे ही मार दें, भाई शूट कर दो, उसमें आदमी डरे कम। सोचो जब उनको उस ट्रकों में भरा जाता होगा कि पकड़े गए, अब इनको यातना शिविर में ले जाना है, तो उन बेचारों पर क्या बीतती होगी, इतना पागल था ये आदमी। इसने पूरी दुनिया पर राज करने के लिए एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इसने 1941 में हिटलर ने इस पर अटैक कर दिया। ये हिटलर के जीवन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि USSR बहुत बड़ा देश था, बहुत ताकतवर देश, और USSR का जो एरिया था ना, अगर यहाँ जर्मनी है तो ये लगा लो यहाँ USSR है। इसने अपने देश से दूर अटैक किया, तो सेना वहाँ तक लेके जाना, हथियार वहाँ तक पहुँचाना, एक बड़ा जिम्मेदारी का काम है। इस इतने बड़ी टेरिटरी है इसके पास, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता अटैक करने का, लेकिन फिर भी जर्मनी, क्योंकि अपने आप को सुपर हीरो मान के बैठा है, अटैक का बदला लेना पड़ेगा। और यहाँ बहुत बुरी तरह से हारा, क्योंकि जब इसने अटैक किया ना, तब ठंड पीक पे पहुँच गई और यहाँ बर्फीली हवाएं, इसके सैनिक यहाँ कामयाब नहीं हो पाए, और ये इसकी सबसे बड़ी हार थी जिसने इसको एकदम झटका दिया कि अगर मैं, ये पहली हार थी, इसके बाद इसको फील हुआ कि मैं घिर गया, क्योंकि जर्मनी के ऊपर USSR ने तो अटैक किया ही किया, यहाँ से UK या ब्रिटेन भी आ गया, तो दोनों तरफ से घिर गया जर्मनी। अब जर्मनी को दिखने लगा कि लंबे टाइम तक टिकना बड़ा मुश्किल है। 1941 के किस्से हैं ये। ये तीन दोस्त थे ना, क्या फॉर्मूला था इनका? JGI, जापान, जर्मनी और इटली। ये जो जापान है ना, ये बहुत बड़ी गलती कर देगा 1941 में। क्या करेगा? ये अमेरिका के जहाज़ों को डुबो देगा पर्ल हार्बर नाम की जगह पर। ये एक आइलैंड है पर्ल हार्बर, यहाँ अमेरिका के जहाज़ आएंगे और जापानी सैनिक यहाँ पहले से छिपके बैठ गए। जैसे ही जहाज़ आएंगे, ये उन पर अटैक करेगा और उनको डुबो देगा, उनके लोगों को मार देगा और जहाज़ों को, जैसे बेड़ा होता है बहुत सारे जहाज़ों का, उनको डुबो देगा। तो जापानी जो सेना है, इसने किसके लोगों को डुबो दिया? ये अमेरिका, इसमें कुछ ब्रिटेन के लोग भी थे। तो अब ये दोनों किसके दुश्मन बनेंगे?
जापान के, और जापान से बदला लेने के लिए 1941 में अमेरिका कहेगा अब मैं स्पष्ट युद्ध में शामिल हूँ। अब तक चल रहा था मजाक दो साल से, 1939 से 1941 जो लड़ाई चली थी ना, जिसमें ये जर्मनी सुपर हीरो बन गया था, ये छद्म युद्ध था, दिखावटी युद्ध, डिस्गाइज्ड वॉर। डिस्गाइज्ड मतलब जो भेष बदल के दिखावटी हो, लेकिन अब युद्ध में शामिल हो गया अमेरिका, और तगड़े तौर पे उसने ये मान लो टारगेट बना लिया, अब सब कुछ खत्म करना है। दो साल बहुत भयानक युद्ध चला 1941 से 1943, और इन सालों में ये दिखने लगा कि अब जर्मनी, जापान और इटली हारेंगे, और हार का भय उनको सताने लगा, और यही कारण था कि एक डेढ़ साल तो खींचा, लेकिन फाइनली जर्मनी को दिखने लगा कि अब मेरा अंत निश्चित है, और इतनी यातनाएं दे दे के उसने लोगों को जो तड़पाया था, परेशान किया था, उसको कहीं ना कहीं तो भुगतान करना होता है ना, कर्मा रिटर्न्स बैक। 1945 शुरुआती दौर था, एक बहुत बड़ी मीटिंग लेता है अपने खास चैम्बर में, अंडरग्राउंड चैम्बर बना रखे थे, और बिल्कुल लोहे के ऐसे दरवाजे जो कभी टूटी ना सके, उसमें ये था और 8-10 इसके खास आदमी जो नाजीवाद के खास झंडे लेके चलते थे, और इसने क्या किया, वहाँ पूरा डिस्कशन हुआ कि अब तो हम घिर चुके, अब मरना निश्चित है, तो ठीक है अब लास्ट में क्या कर सकते हैं क्या नहीं, थोड़ा बहुत सोच समझ के रात के 1-1.30 बजे तक बैठक हुई, फिर सब अपने घर, और जो ये और इसकी वाइफ बस अंदर थे उस कमरे में। 5 मिनट बाद कहते हैं उन सबके जाने के बाद तेज़ गोली की आवाज़ आई, तो जो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड बाहर, उन्होंने दरवाज़ा खोल के देखा, तो तुरंत में देखा दोनों जो हैं वो सुसाइड करके मर चुके थे। दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाला 60 लाख लोगों को मारने में, जिसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, आज वो खत्म था, अपने आप मर गया। और उसके मरते ही जर्मनी ने कहा हमें लड़ना ही नहीं था, हम तो लड़ी इस बेवकूफ़ की वजह से रहे थे। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूँ, ये जो जर्मनी था ना शुरुआत में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ये जर्मनी हार गया था, ये पहले भी हारा था, तब ये तीन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा, ऑस्ट्रिया हंगरी, और एक देश था तुर्की। मैंने तुम्हें बताया था तुर्की के साथ इल ट्रीटमेंट किया था, खलीफा को हटा दिया था, किन लोगों ने, ब्रिटेन ने, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये ग्रुप हारा था और अमेरिका ब्रिटेन का ग्रुप जीत गया था। उस हार में बाकी सब तो जो हुआ सो हुआ, बेइज्जती तो होती ही है, इसके साथ इल ट्रीटमेंट किया गया, इसको फ्रांस के एक शहर में बुलाया गया, ये सब दोस्त हैं, इसको स्पेशल इन्वाइट करेंगे, फ्रांस की एक जगह है वर्साए, वर्साए में एक संधि की गई, एक पैक्ट किया गया, ट्रेटी ऑफ वर्साइल्स, पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने 9वीं 10वीं में। इस संधि में कहा कि जर्मनी की बेवकूफ़ी से हम सबको नुकसान हुआ, इसलिए इसका नुकसान जर्मनी के सिर है, तो जर्मनी क्या करे, बेचारा हार गया, ये मान लो जर्मनी। इसका एक इलाका है रूहर, जहाँ से बहुत ज़्यादा कोयला निकलता है, इस पूरे कोयले को अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह यूज़ करेंगे, जर्मनी यूज़ नहीं करेगा, ना तू बेच सकता ना इस पे तेरा हक, ये सारा तेरा हिस्सा हम यूज़ करेंगे। एक नदी बहती है यहाँ, राइन नदी, जिसको कहते हैं कोल रिवर, कोयला ढोते थे इसमें से, इस रिवर में आने जाने के पैसे जर्मनी लिया करता था, ये सारा पैसा अब अमेरिका, ब्रिटेन लेगा, क्योंकि उनका नुकसान हुआ है तेरी वजह से। इतनी बेइज्जती की गई, इतनी बेइज्जती कि उस टाइम पे कुछ लोगों ने कह दिया था कि किसी को इतना भी बेइज्जत मत करो कि फिर वो तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाए, तो यहाँ उस बेइज्जती को जर्मनी ने मन पे ले लिया, और जर्मनी में एक छोटा सा सैनिक जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, जो बाद में जाके क्या बन गया, हिटलर, और हिटलर ने बेइज्जती जो हुई सो हुई, लोगों के दिमाग में ये भरा कि हम इस बेइज्जती का बदला कैसे लेंगे, तो इसने कहा हम एक देश बनाएंगे सब यूनिटी से। और अगर मैं सच बताऊं तो ये स्टार्टिंग में ना बहुत अच्छा आदमी था, ये राष्ट्रवादी था, यानी इसके अंदर अपने देश को लेके नेशनलिज्म की भावना थी, होनी भी चाहिए, हर एक को अपने देश को प्यार करना चाहिए, इसके कारण लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, सब लोगों ने इसकी बात मानी कि यार हिटलर ठीक आदमी है, जैसे मोदी जी के साथ भी तो हुआ था ना 2014 में, हर हर मोदी, घर घर मोदी का, लोगों को लगा हाँ सब कुछ बदलने वाला है, देश बदलेगा, विकास होगा। मैं जब ये पढ़ती हूँ ना, मुझे इसमें लगता है कि सेम बातें हो रही हैं, ये आप भी पढ़ के देखना, 9th क्लास में ग्रेट मतलब पढ़ने लायक चीज़ें हैं, उसको पढ़ के तुम्हें फील होगा सेम यही हमारे देश में चल रहा है, जो उस टाइम पे कहाँ चला था, जर्मनी में, सब इसके भक्त बन गए, सब जहाँ जाए जहाँ रैली करे तो लोग ऐसे आंखों में पर्दा नहीं पड़ता है। और इसका एक स्टाइल था कि ये अपने आप को ना आर्यंस बोलते थे, आर्यंस, आर्यन याद है, हम भी आर्य थे, हमें तो आर्यपुत्र थे, पुरानी महाभारत उठा के देखो, आर्यपुत्र आर्यपुत्र, ये भी अपने आप को आर्यंस कहता था, और ये कहता था आर्यंस की ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है जो राज करने के लिए पैदा हुई है, सेम बातें हम भी तो सोचते थे। और इसने कहा कि आर्यंस के ऊपर कोई कास्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग हैं जो धरती पे वो आर्यंस हैं। इसने जानते हो सिंबल भी क्या बनाया, तुम्हारा सिंबल इसका सिंबल था, ये वाला तुम कहीं भी देखना ये सिंबल है हिटलर का, इसके झंडों पे भी यही है, ये हमारा भी तो सिंबल है। तो ये सब चीज़ें आर्यंस और ये स्वास्तिक का चिन्ह। और इसने क्या ऑर्डर दिया जानते हो, जब ये थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया 1933 में, इसने अपने राज अपने देश का ये राजा बन गया, हेड बन गया, और इतना कट्टर हो गया कि इसने कहा जहाँ अजीब लगेगा तुम्हें सुन के, लेकिन ऐसा NCERT में लिखा है, इसने ना ये कहा कि जो जीव्स है ना उनकी तो शक्ल ही अलग है, उनकी नाक देखने में ऐसे सिक्स जैसी लगती है, तो जिसकी नाक ऐसी हो वो जीव्स मिलेंगे, उनको मरवाओ। ये क्या लॉजिक है, नाक तो किसी की भी कैसी भी हो सकती है, कितना पागल आदमी है, साइकिक है। और इसने पता बच्चों को भी पकड़ लिया, छोटे छोटे बच्चों को, और कहता कि जिनके ब्रीड जीव्स की है ना उनको तो मारना ही मारना है। फिर इसने कहा कि अगर कोई भी महिला जो आर्यन है और जीव्स से शादी करती है तो उनको भी मरवा दिया जाए, मुट्ठी भर लोग हों लेकिन वो सारे क्या हों,
वो आर्यन हो, और लोग सच में इसकी रैलियों में ऐसे जाते, जैसे ये नहीं कि हम हिंदू 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 वाला कर रहे हैं, ऐसे इसने कर दिया आर्यन आर्यन आर्यन, और सबके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में भर दिया कि इसकी नाक तो सिक्स जैसी शेप की लग रही है। ये स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा, तुम देखना एनसीईआरटी पढ़ के, ये सरकार की किताबें कहती हैं, ये उसमें ऐसे सिखाया जाता बोर्ड पे कि जिनकी नाक ऐसी शेप की है तो समझ जाओ कि वो आर्यन हैं। अजी पागल आदमी था। और ऐसे इसने कितने, नहीं आर्यन नहीं सॉरी नाजी, नाजी हैं, और इसने दुनिया भर के लोगों को ऐसे मरवाया और मन में नफरत पैदा कर दी, एक कम्युनिटी के प्रति इतनी नफरत पैदा कर दी कि सबको लगने लगा कि सिर्फ कौन जिंदा रहने चाहिए, आर्यंस। तो आए आए हिटलर, हर बात पे आए आए हिटलर, हिटलर ने जो बोल दिया तो आए आए हिटलर, मतलब जैसे बोले तो कि पागल हो जाते हैं, बस आंखों पे वो पर्दा कि वही दिख रहा है, ऐसा इसने काम किया। तो दुनिया इसके पीछे पागल, अंधभक्ति करने लग गए लोग, उस अंधभक्ति में लोगों ने इसका साथ दिया, और फाइनली हर बुरी चीज़ का अंत कभी ना कभी होता है, इसका भी अंत हुआ, इसने खुद को गोली मार ली। वर्साई की संधि एक गलती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो नहीं करनी चाहिए थी, इतनी बेइज्जती नहीं करनी थी कि वो दुश्मनी में उतर आती। खैर इन सब का असर हम पे क्या पड़ा, ये भी तो हमारे ऊपर राज कर रहा था, तो इसने भारत को कहा कि भारत भी लड़ रहा है, हमने मना किया तो नहीं माना, हमारी फौजों को ले गया, पीट पीट के सैनिकों को ले गया। अब इसका नुकसान क्या हुआ, एक तरफ तो ये नुकसान मैंने हिंदू मुस्लिम वाला बताया, अब देखो जापान तुम्हारे पड़ोस में ही तो पड़ेगा ना, इसको ऊपर से नीचे आके भारत पे अटैक करना बहुत आसान दिखेगा, ये भारत पे किसके लिए अटैक करेगा, भाई ब्रिटेन का हिस्सा है ना भारत, ये ब्रिटेन से बदला लेने के लिए किस पे अटैक करेगा, भारत पे, और हमें दिखेगा कि यार हम तो बिना बात मरेंगे, इसका क्या जाएगा, एरोप्लेन लाएगा, फाइटर प्लेन, उसमें से एक बम गिरा देगा और जाता रहेगा, फिर दूसरे चक्कर में आएगा एक बम, मरेंगे तो हम ना, इनका क्या गया, इनके तो हम नौकर हैं, उपनिवेश है, मरेंगे तो फिर नुकसान तो हमारा है। इसीलिए गांधी ने कहा था 1942 में कि तुम लोग यहां से भाग जाओ, हम जैसे भी हैं बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, हमें राज करना नहीं आता, हम अपने देश को खुद संभालेंगे, तुम निकलो यहां से। इसीलिए महात्मा गांधी ने 1942 में एक आंदोलन चलाया था, कौन सा आंदोलन था, वो भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा भारत छोड़ो से पहले भी एक बड़ी घटना हुई, 1940 गांधी जी ने कहा अंग्रेजों ने बिना हमसे पूछे हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में डाल दिया, इसलिए हम सत्याग्रह करेंगे। तो गांधी ने कहा इस बार मैं नहीं चलाऊंगा सत्याग्रह, तुम पर्सनली सत्याग्रह करो, व्यक्तिगत सत्याग्रह है, हर कोई अपने लिए सत्याग्रह करो। तो क्या करें गांधी जी, तो गांधी जी बोले मैं कुछ बड़े बड़े लीडर्स का नाम लूंगा, उनकी जिम्मेदारी है। जैसे पहला इन्होंने कहा विनोबा भावे, विनोबा भावे, विनोबा लिख देते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, आज़ादी के बाद तक जिंदा रहे और लेटर स्टेज में बड़े काम किए। विनोबा भावे को बोले ये है पहला सत्याग्रही, ये क्या करेगा, ये गांव-गांव जाएगा और लोगों को उकसाएगा, मोटिवेट करेगा कि अंग्रेजों के राज से हमें मुक्ति चाहिए, भाषण देंगे। तो इससे क्या होगा, भाषण देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, एक घंटा, चार घंटे, छः घंटे, आठ घंटे, जब तक पुलिस आके इनको गिरफ्तार ना कर ले, इनको भाषण देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। अब अंग्रेज भी एक्टिव हैं क्योंकि उन्हें पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस कुछ ना कुछ तो करेगी। तो पहला सत्याग्रही विनोबा भावे पहुँच गए, भाषण देने लगे, भाषण देते गए लोग इकट्ठे होते गए होते, फाइनली पुलिस वाले आए और पकड़ के ले गए। पुलिस तो बेचारी तब भी ऐसी थी कि जो कहोगे वो करेगी, आज भी पुलिस ऐसी है, पुलिस वही करती है जो प्रशासन उनको कह देता है, उनको ऑर्डर दे दिए जाते हैं। दूसरे सत्याग्रही इन्होंने बनाए जवाहरलाल नेहरू, और फिर ढेर लीडर्स बन गए व्यक्तिगत सत्याग्रही, जा जाके भाषण देते लोगों को, देश की आज़ादी के लिए तुम्हें उठना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, ये वो, तो लोग मोटिवेटेड होते, फिर इनको पकड़ लेते। 1940 में चलाया, गांधी का विचार था, अंग्रेजों के ऊपर दबाव आया अमेरिका का, रशिया का, कि यार तुम क्या कर रहे हो, ये इंडियंस इतना क्यों हा हुल्ला मचा रहे हैं, इनको अपने फेवर में लो, कुछ भी करो, इनको लालच दो, बेवकूफ़ बनाओ, इनको अपने फेवर में लो। तो वहाँ से एक आदमी आता है जिसका नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स, और क्रिप्स हमें बेवकूफ़ बनाने का पूरा प्लान बना के लाया। ये गांधी, अंबेडकर, नेहरू सबको बिठाता है, एक मीटिंग करता है, और इसको हम कहते हैं ये क्रिप्स मिशन भारत आया है। कौन सा मिशन है ये, क्रिप्स मिशन में स्टेफर्ड क्रिप्स नाम का एक आदमी मीटिंग करता है सब लीडर्स के साथ, स्टेफर्ड क्रिप्स, और कहता है कि तुम क्यों भाई ये कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा ऐसा करके, देखो अभी हम फंसे हुए हैं, हमारी हेल्प कर दो थोड़ी सी, बाद में तुम्हें हम बहुत बड़े फायदे देंगे। तो क्या फ़ायदा दोगे, तो बोले तुम्हें हम डोमेनियन स्टेट्स का दर्जा दे देंगे। डोमेनियन, अब ये क्या होता है, डोमेनियन स्टेट्स का मतलब है तुम अपना राज खुद चलाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महारानी को अपनी बस महारानी मान लेना, राज तुम करना, महारानी हमारी हेड रहेंगी। तो डोमिनियन स्टेट्स की तरह बहुत पहले 1928 में हमने कहा था कि ऐसा कर लो, तो ये बोले बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अपना राज चला पाओ और तुम डोमिनियन कहलाने के लायक नहीं हो। जो हमने 1928 में डिमांड की थी वो कब पूरी करने की बात कर रहे हैं, 1942 में हमने कहा अब हमें चाहिए ही नहीं डोमिनियन स्टेट्स, अब तो हमें आज़ादी चाहिए, अब हम महारानी को कुछ नहीं मानेंगे। डोमिनियन स्टेट्स की बात पे क्रिप्स का बहुत विरोध किया हमने, और गांधी ने कहा ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड का मतलब होता है इतने आगे की तारीख, मान लो मैं तुम्हें यहाँ एक चेक बांटूँ और उस पर मैं लिख दूँ 1 जनवरी 3021, इसको कैश इससे पहले नहीं करा सकते,
तो ऐसे चेक का क्या फायदा होगा, 3021 में ना तुम रहने, ना मैं रहने, ना मेरा बैंक में बैलेंस रहना। तो गांधी ने कहा ये पोस्ट डेटेड चेक है, इससे पहले आप इसको कैश नहीं करा पाओगे और इसका कोई फायदा नहीं, ना इनकी जबान का भरोसा। आज कह रहे हैं डोमिनियन ये बहुत बेशर्म है, कल कह देंगे हमने कब कहा था। तो इसलिए हमें ये बात नहीं सुननी। नेहरू ने कहा पोस्ट डेटेड चेक तो है ही है, निकट भविष्य में इसका बैंक भी नष्ट होने वाला है। जिस बैंक में पैसे है ना, जिसका चेक दे रखा है, वो बैंक खत्म होने वाला है। यानी इनकी बात पे विश्वास मत करो। किन की बात पे? क्रिप्स मिशन की बात पे। कब आया था क्रिप्स मिशन? 1942 में। और इसकी असफलता के बाद गांधी ने कहा अब तो भारत छोड़ो चलाना पड़ेगा। और महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो का विचार दिया ना, तो कांग्रेस में कुछ ने कहा यार क्या बेवकूफ़ी है, तुम्हारे कहने से क्या भाग जाएंगे क्या अंग्रेज, तुम आयो भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी ने कहा ठीक है, नहीं मानना मत मानो, मैं भारत में इतनी ताकत है कि भारत का बालू, रेत होता है ना बालू, बालू से इतनी ताकत इकट्ठी कर दूंगा युवाओं को साथ जोड़ के कि मैं कांग्रेस से बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दूंगा। फिर कांग्रेस डर गई कि अगर गांधी अलग हो गया तो कांग्रेस की तो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस ने कहा ठीक है तुम अपना मूवमेंट चला लो। कौन सा आंदोलन था ये? क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 मुंबई में एक जगह थी जिसका नाम था ग्वालिया टैंक। कौन सी जगह थी? हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी थी और उस भीड़ में ग्वालिया टैंक में गांधी जी भाषण दे रहे हैं और गांधी जी ने कहा करो या मरो, या तो देश को आज़ाद करा लो और नहीं तो मरना पड़े तो मर जाना। मरना कोई ऐसे नहीं होता खड़े हैं कोई आके मार देगा, मरने का मतलब है आप विरोध करो, क्योंकि मरना सीधे नहीं होता। या तो देश को आज़ाद करा लो, अगर कंडीशन ज़्यादा ही बिगड़ती दिखें तो बेशक मरने की कंडीशन पे आ जाओ, यानी कुछ भी करो किसी भी कंडीशन पे, या तो देश आज़ाद या तो मरना मंजूर है। अब गांधी ने इशारा कर दिया कि किसी भी कीमत पर देश को आज़ादी के रास्ते पर ले चलो। गांधी का ये कहना अंग्रेजों का बड़ा नुकसान है, क्योंकि अंग्रेज हमेशा गांधी से क्या चाहते थे कि गांधी कह दे कि हिंसा मत करो, अहिंसात्मक रास्ता अपनाओ। अब गांधी कह रहे हैं कि अगर मरना पड़े तो बेशक मर जाओ। तो ये बहुत बड़ा सिंबल है कि कल गांधी हो सकता है कुछ लोगों को उकसा के और हिंसात्मक कार्यवाही करवाएं। 9 अगस्त की सुबह होने से पहले गांधी गायब थे, किसी को मिले ही नहीं गांधी जी कहाँ गए। रात में 12 बजे गांधी जी को उठा के गांधी जी, उनकी पत्नी और बड़े बड़े कई लीडर्स जिनमें सरोजनी थी, और रातों रात गायब कर दिया। पूना में एक जगह पड़ती है यरवदा जेल से थोड़ी सी आगे, उसका नाम है आगा खान पैलेस। बहुत बड़ा घर है, देखने लायक, बहुत सुंदर, आज भी बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने देखा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, व्हाइट मार्बल से बना है, ऐसा लगता है कोई ताजमहल टाइप का हो। इसमें गांधी को रोक दिया आगा खां पैलेस में, पैलेस होता है राजमहल। और यहाँ महात्मा गांधी को, जैसे इसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं, आज भी आप जाओ ना तो गांधी वहाँ ऐसे गांधी की पोर्ट्रेज और पिक्चर्स और ये सब है, मान लो ये रूम्स ही रूम्स हैं। तो यहाँ कहीं एक कमरे में महात्मा गांधी, उनकी पत्नी, फिर कहीं साइड में कोई बड़ा और लीडर, इस तरह से नज़रबंद कर दिए, इनसे बाहर नहीं जाना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ हरियाली है, बड़ी सी बिल्डिंग है, देखने की मतलब अच्छी जगह है। महात्मा गांधी यहाँ बंद है, देश अगले दिन ढूंढ रहा है गांधी कहाँ गए, गांधी कहाँ गए, तो गांधी तो है ही नहीं, बड़े लीडर्स कहाँ हैं, कोई है ही नहीं। लीडर्स ना हो तो भीड़ बेकार होती है, भीड़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीडर का दिशा निर्देश। लीडर नहीं है तो जो जवान लड़के थे ना वो लीडर के रूप में आगे आ गए, और जहां युवा वर्ग शामिल होगा वहां आप ये मान के चलो कि हिंसा होगी ही होगी, क्योंकि युवा वो नहीं है ना कि चांटा मारे और खा ले। तो ये हिंसात्मक कार्यवाही हो गई, जगह जगह बैंक लूट लिए, रेल की पटरियां उखाड़ दी, आग लगा दी चारों तरफ। तो अंग्रेज भागे भागे गए गांधी के पास, गांधी जी देखो आपके लोग क्या कर रहे हैं। गांधी ने कहा तुमने मुझे तो लीडर बनने ही नहीं दिया, अगर मैं लीडर बनता तो मैं ऐसा होने से बचाता, और अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूं। बोले आप ये कह दीजिए कि मैं निंदा करता हूं। बोले मैं क्यों बोलूं निंदा करता हूं, मैं तो नहीं बोलूंगा निंदा करता हूं, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और गांधी ने ये बिल्कुल मैसेज नहीं दिया, जैसे पहले था ना 22 लोग जिंदा जलाए तो गांधी क्या बोले, आंदोलन खत्म। अब गांधी ने आंदोलन खत्म नहीं किया, और अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो गांधी जी ने आंदोलन को उकसाया था। गांधी जी जिस भवन में थे ना, क्या नाम था इसका, आगा खान पैलेस। यहाँ पे चारों तरफ, अभी भी ना यहाँ जंगल टाइप का माहौल है चारों तरफ, इसके कोई ऐसे बसावट नहीं है, उस टाइम भी था, अब तो खैर इसके पास एक बड़ा रोड है जो कि चलता हुआ है, पर फिर भी पेड़ पौधे जंगल टाइप का इलाका है। तो उस टाइम में यहाँ पे एक महिला थी, उस महिला ने बहुत काम किया, उसका नाम था उषा मेहता। उषा मेहता काफ़ी पढ़ी लिखी महिला थी, इसने मेक्सिको के रेडियो इंजीनियर से बातचीत की, जो रेडियो वगैरह चलाते थे उनसे बातचीत की किसी तरह, क्रांतिकारियों के थ्रू कैसे ना कैसे इन्होंने बातचीत की। और मेक्सिको के जो रेडियो में काम करने वाले लोग थे ना, उन्होंने इनको कुछ यंत्र, मतलब कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान दिए। अब ये क्या करते उससे, यहाँ कहीं थोड़ा दूर के इलाके में ऐसे रातों रात अंडरग्राउंड एक कमरा टाइप बनाते, मतलब खोदते सुरंग टाइप, और उसमें यहाँ पे कुछ इस तरह के ट्रांसमीटर्स और वो सब सेट करते टेम्परेरी, और वहाँ से किसी तरह गांधी जी की रिकॉर्डिंग करवाते, या पता नहीं कैसे क्या करवाते, कोई खास आदमी इनका था, गांधी जी के मैसेज को यहाँ से ये पूरे देश में भेजते। इसका किसी को नहीं पता कितने डिग्री पर, जैसे वो नहीं होता इतने हर्ट्स पर इतने पर ये आवाज़ सुनाई पड़ेगी, ये अननोन था, बस कोई चैनल सेट कर दो और वहाँ से इनकी आवाज़ आएगी। गांधी जी के अंडरग्राउंड मैसेजेस थे इस तरह के। अब ये मैसेज अंग्रेज भी तो सुनेंगे ना, अगर तुम सुनोगे तो अंग्रेज भी तो सुनेंगे, तो फिर अंग्रेज सुनते ही एक्टिव हो जाएंगे कि कहाँ से गांधी की आवाज़ जा रही है। वो रात में इसकी खोजबीन करेंगे, रात में यहाँ से निकलना है,
ये पकड़ा ना जाए, क्योंकि उस टाइम पे लाखों रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब थे। फिर दो चार दिन शांत रह के फिर कहीं ऐसे ही अंडरग्राउंड खुदाई करके वहाँ दो चार ट्रांसमीटर्स और ये सब ट्रांसपॉन्डर्स वगैरह लगा के फिर कुछ इस तरह का रिकॉर्ड करा के लोगों तक पहुँचाना है। तुम सोचो, अगस्त में ये आंदोलन शुरू हुआ था, 9 अगस्त को गांधी नहीं थे, और नवंबर तक इस औरत ने इस काम को इतना बेहतरीन तरीके से किया कि सबको अचंभा हुआ कि कैसे ये रिकॉर्डिंग्स और ये सब मैनेज हो पा रही हैं। यानी कितना अच्छा एक मजबूत सिस्टम था इनके पास। फाइनली किसी ने चुगली कर दी, जो इंडियंस की आदत खराब थी, और बता दिया, इनकी शिकायत कर दी कि ऐसे ऐसे एक महिला है जो मेक्सिको के रेडियो इंजीनियर्स के साथ कॉन्टैक्ट में है, और इस तरह से इनके मैसेज और गांधी जी की रिकॉर्डिंग्स बाहर जाती हैं। ये औरत पकड़ी गई, उषा मेहता। उषा मेहता को अंग्रेजों ने खूब टॉर्चर किया कि भाई बताओ कैसे सारा सामान जुटाया, क्या है क्या नहीं, किसी का नाम नहीं लिया, कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। उस पूरे सिस्टम को एक औरत तो नहीं चला सकती ना, इतने बड़े सिस्टम को तो कम से कम 50-100 लोग होंगे, कुछ मेक्सिको से कॉन्टैक्ट में होंगे, कुछ यहां, फिर उसको खोदना, फिर उसमें सिस्टम सेट करना, फिर रातों रात निकालना। तो एक बड़ी टीम थी, एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया, सिर्फ उषा मेहता पकड़ी गई। और उषा मेहता को कितना ही टॉर्चर किया, उषा मेहता ने नाम नहीं बताया। फाइनली उषा मेहता आजादी के बाद एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के रूप में आई, और इनको कहा जाता है कांग्रेस का रेडियो। ये पेपर में आ जाता है, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस का रेडियो नाम से कौन फेमस हुई थी महिला? उषा मेहता। तो इनको बाद में अंडमान निकोबार भेजा गया, बहुत टॉर्चर किया गया, पर किसी का नाम सामने नहीं आ पाया। तो आज भी कांग्रेस का रेडियो उपनाम से उषा मेहता जानी जाती हैं। 42 में आगा खां पैलेस के आसपास रेडियो ट्रांसमिशन का सारा काम इन्होंने अपने सिर पर लिया था। 1942 फाइनली अंग्रेज परेशान, और अंग्रेज वैसे भी दुखी, क्योंकि बाहर कौन दुखी कर रहा है उनको, जर्मनी, जापान, भाई कोई ना कोई परेशानी तो है ही। अब आपका देश से बाहर एक आदमी जा चुका, आपके देश का, जब ये सब चल रहा है तो आपके देश में एक बहुत तगड़ा लीडर था, सुभाष चंद्र बोस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की कहानी थोड़ी सी इनसे जोड़ के सुन लो। 1938-1939 महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक बार बने थे 1924 में, पर चलती गांधी की ही थी हमेशा। 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन, एक कॉम्पिटिशन हुआ जिसमें एक तरफ बोस खड़े हो गए और एक तरफ गांधी ने अपना आदमी खड़ा किया, पट्टाभी सीतारमैया। एक हेल्दी कंपटीशन था, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इसमें कांग्रेस के लोग ही चुनाव करते थे, तो कांग्रेस के ज्यादातर लोगों ने किसका नाम पसंद किया? कौन हार गया? पट्टाभी हार गए। पट्टाभी बड़े लीडर थे, लेकिन ये पट्टाभी नहीं हारे, ये एक्चुअली में किसने खड़े किए थे? गांधी। तो ये हार किसकी मानी गई? गांधी हार गए किसके सामने? सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत धक्का था गांधी के लिए, कोई बात नहीं, एक बार ये धक्का था गांधी सह गए। 1939 में फिर इलेक्शन हुआ, गांधी का आदमी फिर से हार गया, और कौन जीत गया? सुभाष चंद्र बोस। तो एक तरीका था जिसमें गांधी या कोई भी जो जीतता था उसको 14 सदस्य मिलते थे, ये इसकी कार्यकारिणी कहलाती थी। भाई ये 14 आदमी तेरे हेल्पर हैं, तो पूरे साल की प्लानिंग कर, कहाँ कब कैसी मीटिंग करनी है, क्या करना है, क्या डायरेक्शन होगी, क्या हम करेंगे। तो महात्मा गांधी जब हारे, गांधी का मतलब जब ये हारा तो गांधी हारे, तो इन 14 में से पट्टी पढ़ा के और 12 को इस्तीफा दिलाने के लिए राजी कर लिया। 14 में से 12 बोले भैया हम नहीं काम करते, क्योंकि किसकी हार हो गई है? ये गांधी की। 2 आदमियों के बल पे सुभाष चंद्र बोस ने एक पूरा साल बढ़िया काटा 1938 वाला। 39 में फिर ये क्वेश्चन उठा कि कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव कौन करेगा। गांधी ने कहा मैं तो एक का भी चुनाव नहीं करूंगा। अब जब गांधी नहीं करेंगे इसका मतलब गांधी साथ नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा सर अगर आप चुनाव नहीं करेंगे ना तो मैं भी इस पद पे नहीं बैठूंगा, और मैं इस पद के काबिल नहीं हूं अगर आपको लगता है कि भाई मेरे साथ के लोगों का चुनाव आप नहीं करेंगे। और जो एक जैसे मेडल टाइप पहनाया जाता था वो निकाल के गांधी के पैरों में रखा और बोले बस मैंने बहुत कर लिया इस संस्था का मेंबर बन के, अब मैं देश के लिए अलग से काम करूंगा। और अपने सोचो हेड था, अध्यक्ष था, अध्यक्ष पद पे जीतने के बावजूद त्यागपत्र दे दिया। और गांधी जी कितने अजीब लगे यहाँ कि कुछ भी नहीं बोले, त्यागपत्र चुपचाप लेके और रख लिया। ये भी नहीं बोले कि भाई तू लोगों की पसंद है तभी तो तू जीता होगा ना, मैं कैसे जीता, इलेक्शन हुआ था, अगर इलेक्शन में तू जीत गया इसका मतलब तुझे लोग पसंद करते हैं तो तुझे रह के काम करना चाहिए। गांधी जी ऐसे 36 का आंकड़ा बना के एंटी हो गए कि सुभाष चंद्र बोस जीतने के बाद त्यागपत्र देके कांग्रेस का त्याग करके चले गए, और गांधी ने रोकना भी मुनासिब नहीं समझा और बोले मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। सुभाष के जाने के बाद फिर क्वेश्चन मार्क कि अगला कौन अध्यक्ष, तो अध्यक्ष बना दिया राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद नहीं चाहते थे कि मैं अध्यक्ष बनूं, लेकिन कौन नहीं चाहता था कि बोस अध्यक्ष रहे, और गांधी की उस चाहत के चलते सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा भी दे दे। कितने बड़प्पन की बात है ना, जीत के इस्तीफा देना, जैसे ये बात मन में एक इज्जत पैदा करती है सुभाष चंद्र बोस के प्रति। चलो एक लंबी कहानी है, कल बताऊंगी इनके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं इनके, कल पढ़ेंगे।